सीवान के एमएच नगर हसनपुरा थाना के ठीक सामने दीपावली की रात पटाखा फोड़ने के दौरान भीषण आग लग गई, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एमएच नगर हसनपुरा थाना के ठीक सामने कुछ युवक पटाखा फोड़ रहे थे। इसी दौरान पटाखा की चिंगारी एक दुकान में चली गई। वहीं दुकान में डीजल रखा हुआ था, जिसमें पटाखे की चिंगारी के कारण आग लग गई, जिसके बाद आग तेजी से पूरे दुकान में फैल गई। बता दें कि आग ने 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आग लगने की सूचना पर तुरंत अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने में जुट गई। इसी दौरान दुकान में डिब्बे में पैक करके रखा हुआ डीजल ब्लास्ट कर गया, जिसके बाद आग बुझा रहे दमकलकर्मी और स्थानीय लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें सभी गंभीर रूप से झुलस गए। सभी आग की लपटों के बीच फंसे रह गए। इसमें 8 दमकलकर्मी सहित 1 दर्जन लोग झुलस गए हैं। सभी को हसनपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर स्थिति गंभीर देख उन्हें सीवान रेफर कर दिया। हालांकि सीवान सदर अस्पताल से भी 3 लोगों की स्थिति बेहद ही गंभीर देखते हुए उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। घटना रात के करीब 10 बजे की है। करीब 2.5 घंटा की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि घायलों की पहचान फिलहाल स्पष्ट नहीं है। SDPO फिरोज आलम एवं सीवान की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। SDPO फिरोज आलम ने बताया कि सूचना मिली कि पटाखे की चिंगारी के कारण यह आग लगी घटना घटी है। पूरे मामले की फिलहाल जाँच हो रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।